पलटवार जारी है। और अब बात करते हैं पूर्व मंत्री का गुंडा बेटा। जी हाँ, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री शंखलाल मांझी के बेटे की गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है। शंखलाल का बेटा इतना बड़ा गुंडा है कि सवाल पूछने पर थप्पड़ मार देता है। ब्लॉक प्रमुख के कक्ष में बुलाकर तकनीकी सहायक बंसीलाल वर्मा की जमकर पिटाई की, जिसके बाद तकनीकी सहायक की तहरीर पर पूर्व मंत्री के बेटे समेत तो 2 दर्जन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है केस। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसे रसूखदार गुंडों पर कार्रवाई कब होगी? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता संजय चौहान जुड़े हुए हैं। संजय, जाहिर सी बात है, पूर्व मंत्री का जो बेटा है उसका गुंडा राज हावी होता नजर आ रहा है। कुछ भी कहीं भी कर सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे रसूखदारों के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल, बताऊं मैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई, ये कहना गलत नहीं होगा कि रस्सी जल गई है, लेकिन अकड़ अभी नहीं गई है। सरकार भले न हो सपा की, लेकिन उनके सरकार में मंत्री रहे शंखलाल मांझी के बेटे ब्लॉक प्रमुख है, और उन्होंने अपने जिस तरीके से जूनियर इंजीनियर को पीटा है कि तो कहीं ना कहीं गुंडा ही खुलकर सामने दिख रही है। और सरकार के साथ साथ वहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सवाल ये उठता है कि सरकार क्या, पुलिस आखिरकार क्या उनके लिए बनी हुई है? जो आम आदमी है, गरीब है, और अगर माननीय है, गणमान्य लोग हैं, तो उन वो कार्रवाई कर, वो कोई भी घटना करते हैं तो उसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ये सवाल संजय थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे। सत्ता में नहीं है, बावजूद इसके पूर्व मंत्री का बेटा है, और साफ तौर पर मंत्री का बेटा होने का कारनामा ये दिखाते नजर आ रहे हैं, गुंडागर्दी खुलेआम करते हुए नजर आ रहे हैं, मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस बात की शिकायत की गई, और अगर की गई तो क्या कोई किसी तरीके की जांच या कार्रवाई होती नजर आ रही है, और अगर नहीं तो क्यों? क्या ये जानने की कोशिश की आपने? बिल्कुल, मैं बताऊं सोनी आपको कि जिस तरीके से ये पिटाई की है, उसके बाद इंजीनियर ने जाकर के थाने में बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने क्या किया कि एफआईआर तो कायम कर ली है, लेकिन अभी तक उसकी न तो गिरफ्तारी के प्रयास किए गए हैं और ना ही उसकी तलाश की जा रही है। बाकायदा जो पूर्व मंत्री के बेटे हैं वो अपने गाड़ी और भौकाल के साथ पूरी तरीके से रंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उस पर पुलिस हाथ डालने से अभी भी कतरा रही है। 24 घंटे से 48 घंटे का समय बीत गया है पूरा सोनी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। जी, प्रशासनिक आला अधिकारियों से इस बाबत आपने बात करने की कोशिश की कि क्या रसूखदारी इतनी ज्यादा हावी हो जाएगी, या फिर नौकरी जाने का डर है जिसकी वजह से कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल, इस मामले में जब मैंने वहाँ के आला अधिकारियों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है, मामले को टालते हुए नजर आया, उनका कहना था कि जो पीड़ित है उसकी एफआईआर एप्लीकेशन पर कायम कर ली गई है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी इस मामले की, उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन सच्चाई हकीकत ये है, जमीनी हकीकत ये है कि शंखलाल मांझी का बेटा अभी भी घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, अपने प्राइवेट घर और गाड़ी के भौकाल के साथ घूम रहा है, लेकिन उस पर किसी तरीके हाथ डालने का जो प्रयास होना चाहिए था पुलिस का वो नहीं। दरअसल मारपीट हुई, और मारपीट किस बात को लेकर हुई, क्या इस बात का पता चल पाया? इस बात को मुझे बताया जा रहा है कि शंखलाल मांझी के बेटे वहां पर ब्लॉक प्रमुख है और वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इंजीनियर इस बात का विरोध कर रहे थे कि जिस तरीके से वो चाह रहे हैं बाकी काम, कुल मिला के कहना गलत नहीं होगा कि चलिए संजय आपके पास वापस लौटते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, सत्ता में नहीं है, सपा के पूर्व मंत्री के बेटे हैं जिनका गुंडा राज साफ साफ झलकता नजर आ रहा है। जो कारनामा इन्होंने बहुत अच्छा कारनामा किया है, शायद इसलिए पुलिस भी अब कार्रवाई नहीं कर रही है। सत्ता आपकी है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग की चल रही है, इसमें पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देश पर काम कर रहा होता है, लेकिन किसी भी तरह से कहीं पर भी अगर लॉ ब्रेक हुआ है, कानून उल्लंघन हुआ है, तो प्रशासन को कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जरूर आपके संज्ञान लेगा और कठोरता से कार्रवाई करेगा। समाजवादी पार्टी के राकेश जी, आचार संहिता चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी गुनेगार, कोई भी मंत्री का बेटा कुछ भी कर सकता है, उसकी कोई सजा नहीं होती, ऐसा नहीं है। एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी या कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैंने इस बात को पहले ही कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई करने कराने की जिम्मेदारी इस समय राज्य सरकार की नहीं होती है, ये जिम्मेदारी इस समय निर्वाचन आयोग के पास होती है, प्रशासन निर्वाचन आयोग के
निर्देश पर काम कर रहा होता है और हमने अपेक्षा की है कि अगर कहीं लॉ ब्रेक हुआ है तो निश्चित तौर पर कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया बेहद अहम हो जाती है। जिस तरीके से रस्सी जल गई मगर अकड़ अभी भी बाकी है, जिस तरीके से ये कारनामा सामने आ रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र ही गुंडागर्दी का है और हमेशा इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर समाजवादी पार्टी हताशा में निराशा में गुंडागर्दी कर रही है क्योंकि चुनाव हारता हुआ उनको दिखाई पड़ रहा है। आजमगढ़ में भी जहां से श्री अखिलेश यादव ये चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर भी जिस प्रकार से लगातार मारपीट की घटनाएं प्रकाश में आ रही है उससे पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी वापस उठाई है और वो जानती है कि बिना मारपीट के समाजवादी पार्टी किसी प्रकार का अपना स्थान मीडिया की सुर्खियों में नहीं बना सकती है और मीडिया में सुर्खियां बनाने के लिए कई बार इस प्रकार की मारपीट करते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो चरित्र है उसे एक दिखाने की कोशिश अपने कारनामों के जरिए की है। पूर्व मंत्री के बेटे हैं और मारपीट की है, रसूखदार हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ भी कर सकते हैं। सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव जी, ये पूरा कारनामा सपा के पूर्व मंत्री के बेटे का कारनामा सामने आया है, मारपीट की है, गुंडागर्दी की है, पहले तो इसी बात को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। बहुत अच्छा कारनामा किया है क्या? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ ये उनका व्यक्तिगत एक निजी मामला है। इसमें रसूख का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनका व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामला क्या हो सकता है? व्यक्तिगत मामले में किस तरीके से पेश आना चाहिए? देखिए, ये आप किसी की व्यक्तिगत लड़ाइयां होती है, व्यक्तिगत अपना कुछ उनका रहा हुआ, इसमें पार्टी का क्या लेना देना है? पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं। गौरव यादव जी, व्यक्तिगत लड़ाई में क्या आप किसी को जाकर सरेआम ऐसे ही पीटने लग जाएंगे? तो सामान लेके चलती है पार्टी की, हिंसा के समस्त पार्टी कभी नहीं आती। पार्टी बिल्कुल आती है, सपा के पूर्व मंत्री का बेटा है और गुंडागर्दी दिखाता नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पार्टी पे फर्क पड़ता है। पार्टी से जुड़े हुए मंत्री का एक बेटा है। देखिए, ये मंत्री जी पार्टी से जुड़े हुए, उनके पुत्र हैं जी, ठीक है, लेकिन ये पुत्र कारनामा है। कानून है, कानून अपने आप उसकी जांच करेगा, जांच उचित कार्रवाई होगी, वो कानून करेगा। इसमें पार्टी को इसमें संलिप्त करना ये स्वाभाविक बात है, अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि पार्टी में इसका कोई लेना देना है नहीं। गौरव जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय चौहान भी जुड़े हुए हैं। संजय, सुना आपने, बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे। सपा प्रवक्ता का जो साफ तौर पर कहना है कि पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि सच्चाई कुछ और है। बिल्कुल, सच्चाई दूसरी है और ये कहीं ना कहीं इस मामले से भागते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो जिम्मेदारी के, चाहे बीजेपी हो या सपा, क्योंकि सपा का जो कैरेक्टर था वो गुंडई का माना जाता था। इस पर मायावती पर बहुत पहले हमलावर होते थे, तमाम दल भी हमला करते थे और वो लगातार देखने को मिलता रहा, चाहे सत्ता रही हो या सत्ता से ये लोग बाहर रहे हो, लेकिन जो प्रवृत्ति इनकी बन चुकी है वो लगातार इन पर हावी है और उसी का नतीजा है कि पूर्व मंत्री संग्राम माझी के बेटे अभी भी गुंडाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सॉरी, बिल्कुल शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन ये साफ है कि जाहिर सी बात है अगर पार्टी से जुड़े हुए मंत्री हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और इस मामले में एक सत्ता का रसूख साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिस तरीके से इन्होंने मारपीट की है और अब इसमें लचर प्रणाली प्रशासनिक कार्यशैली भी देखने को मिल रही है, इसमें कोई कार्रवाई फिलहाल होती अभी नजर नहीं आ रही।